हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और अभी मुझे जाना है अरुण को लेने के लिए स्कूल, मतलब बस आने वाली है। तो मैंने सोचा चलो पहले 2 मिनट बातें कर लेती हूँ, उसके बाद, क्योंकि सुबह के जो काम थे वो तो निपट चुके हैं और अभी मुझे बाकी मैं पूजा वगैरह करूँगी, बाकी मैंने घर के काम बहुत सारे निपटा लिए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से ये पूछने वाली थी कि इस बार अभी समर वेकेशन आने वाले हैं, तो आपके घर में भी अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि कोई कहीं जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, कोई देश में, कोई विदेश में कहीं भी जा रहे होंगे। समर वाली जगह जो होती है, जैसे केरला है, गोवा है, या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ हम जा सकते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे सिन्हा जी को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और ठंडी जगह जैसे शिमला, मनाली वगैरह, तो वहाँ की ठंड छोटे सिन्हा जी को बर्दाश्त नहीं होती है। तो और मेरी शैमू जो है वो इस बार तो मतलब जान निकाल ले गई मेरा और सिन्हा जी का, अगर कहीं लेकर नहीं गई। लेकिन कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि समर में कहाँ लेकर के जाऊँ समर वेकेशन में। लेकिन बच्चों का बनता तो है कि साल में एक बार एक ट्रिप तो बच्चों को मिलनी चाहिए, अच्छी वाली ट्रिप, क्योंकि बच्चे पूरे साल स्कूल की पढ़ाई, ट्यूशन वगैरह में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ट्रिप उनकी होनी चाहिए। तो वो इस वजह से इस बार हमने गांव जाने का भी सोचा था, कि इसलिए हमने बहुत ज़्यादा जल्दी प्लान नहीं किया था कहीं बाहर जाने का, क्योंकि हमारा इस बार का प्लान था घर जाने का, मतलब अपने गांव जाने का। तो इस बार मैं नहीं जा रही गर्मी की वजह से वहाँ भी। तो समर वेकेशन शुरू जल्दी हो जाएंगे, 8 दिन में शुरू हो जाएंगे इन लोगों के, क्योंकि महाराष्ट्र में गर्मी बहुत पड़ती है तो यहाँ पे जल्दी छुट्टी लगती है। लेकिन दिल्ली, यूपी या फिर बिहार वगैरह में वहाँ पे थोड़ी लेट होती है। तो मुझे पता नहीं है, जो लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि महाराष्ट्र की छुट्टी जल्दी हो जाती है समर वेकेशन की, और थोड़ी ज़्यादा लंबी रहती है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ऊपर की रहती है। और जो लोग और जो है और जैसे दिल्ली, यूपी और बिहार वगैरह है, तो इन सब जगहों पे थोड़ी लेट से समर वेकेशन होती है, और बहुत ही कम टाइम की समर वेकेशन वहाँ होती है। वहाँ पे मुश्किल से 20 दिन की होती है, ज़्यादा दिन की नहीं होती है। तो इसलिए है कि हर कोई का अभी, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी से क्यों बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जिनकी प्लानिंग हो गई होगी तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि कहीं भी आप प्लान कर रहे हो ना, तो टिकट ट्रेन की, फ्लाइट की, या अगर बाई कार जा रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, तो उसमें तो कोई टिकट ही लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्लाइट से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, तो ट्रेन में है कि 4 महीने पहले की बुकिंग होती है। तो इस बार हमने 4 महीने पहले सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमें जाना था घर, लेकिन अभी हो गई है कैंसिल घर जाना, क्योंकि हम लोग घर नहीं जा रहे हैं घर, तो परेशानी हो गई है। घर जाती तो अयोध्या वगैरह जाने का इस बार प्लान था, कि घर जाती तो अयोध्या जाती, अयोध्या जाना था, बनारस जाना था, वाराणसी वगैरह, कुछ नहीं हुआ। तो खैर फ्रेंड, जो लोग जहाँ जा रहे हैं अगर बता सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि वो कैसी जगह है, कहाँ कहाँ पे आप लोग जा रहे हैं। और जो लोग नहीं जा रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने बच्चों को क्या बोल करके समझाया, क्योंकि मेरे बच्चे समझने को रेडी नहीं है। खैर देखती हूँ क्या होता है। तो अभी 11 बज रहे हैं, 10 से 15 मिनट में अरुल की बस आ जाएगी, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ भगवान की पूजा, आज थोड़ी लेट हो गई है, और उसके बाद मैं जाऊँगी उसको लेने के लिए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो में बनी रहिए, और वीडियो मेरी पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने की, क्योंकि एक वीडियो बनाने में, उसको शूट करना, एडिट करना और बाकी सभी कामों को करने में काफ़ी टाइम लगता है, और अपने ही घर के और अपने मतलब घर से समय निकाल करके इन सारे कामों को करना, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए फुल डे घर के काम ही, और दो जिसके जो दो किड्स हो तो पूरे घर के काम और दो किड्स को संभालते हुए पूरी दिन निकल जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है काम करते करते। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक ब्लॉग लेकर आती हूँ, तो मेरी ब्लॉग अगर पसंद आती हो तो ज़रूर लाइक किया कीजिए, एक छोटा सा कॉमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो पसंद आती हो तो मैं फिर से बोलूँगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में बने रहिए,
अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी अरुण को लेने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अरुल जाने का टाइम हो चुका है। मैं जा रही हूँ अरुल को लेने के लिए और अरुल को लेकर के आऊँगी, फिर मैं दोपहर का लंच रेडी करूँगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी बाकी सुबह के ब्रेकफास्ट बनाए मैंने, बाकी के सारे काम बहुत सारे किए, लेकिन लंच में दोपहर में जब सबको साथ में खाना होता है ना, तो मैं लंच दोपहर में आराम से बनाती हूँ, तो क्योंकि खाना गर्म भी रहता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए पहले लेकर के आती हूँ मैं अरुल को, आप लोग भी आ जाइए। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ अरुल को लेकर के और अरुल हो गया है फ्रेश, और तभी सिन्हा जी भी आ गए हैं, कुछ काम से बाहर गए थे, और साथ में आ गया है वो प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए, तो कंपनी ने भेजी है, क्योंकि ये जो हमने जो प्रिंटर लिया है ना, उसको इंस्टॉल करने के लिए आना था, तो वो आया है। और प्रिंटर के बिना तो घर में काम चल नहीं सकता है, तो वही है कि प्रिंटर अभी लगाया जा रहा है और अरुल बैठ के उसको देख रहा है कि कैसे कैसे इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। और ये पहले हमारा इप्सन का था और अभी हमने चेंज करके ब्रदर का लिया है, तो ये आज इसकी इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके फोटो प्रिंटिंग वगैरह कैसी है ब्रदर की? अच्छे ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड, जब तक सिन्हा जी ये प्रिंटर का काम करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे किचन में अभी लंच रेडी कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे पनीर की सब्जी वगैरह बनानी है। मैंने सिर्फ दाल वगैरह बना करके रख लिया था, सुबह के ब्रेकफास्ट हो गए थे सबके, और उसके बाद यही अभी मैं बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ पनीर, एकदम सिंपल तरीके से झटपट में मैं बनाऊँगी, और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मैं आपके साथ, मतलब मैं आपको दिखाऊँगी भी, आप देख सकते हैं ये कि मैं इसमें यहाँ पे मैंने डाला है एक टमाटर, एक प्याज को मैंने रफली चॉप किया है, उसमें मैंने दही डाली है, थोड़ा सा धनिया, मिर्ची, हल्दी, सारे मसाले मैंने ऐड किए हैं, नमक डाला है, और उसको इसकी एक पेस्ट बनाई है। और यहाँ पर मैं फ्राई पैन में ऑयल डाल रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और उसमें डालूंगी मैं पनीर, और उसके बाद उसको थोड़ा सा मैं फ्राई करके निकाल लूँगी, बाकी मसाले हैं उसे डालूंगी, जो मसाले रेडी किए हैं उसे फ्राई करनी है, उसमें इसे पनीर को डालना है, साथ में हम थोड़े मसाले वसाले डालेंगे, जैसे मैं किचन किंग वगैरह इसमें डालूंगी, थोड़ा सा चीनी डालेंगे, और इस तरह से ये बहुत ही अच्छी, मतलब झटपट में पनीर रेडी हो जाती है। तो अभी शैमू को भी आने का टाइम हो रहा है, मतलब अभी 1-1.5 घंटे उसको है, तो मैंने सोचा इतने में तो मेरे मतलब लंच रेडी हो जाएंगे फटाफट वाले, तो यहाँ पे मैं वही करी, यहाँ मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है मसाले में, और ये नमक चीनी के साथ में इसका, और दही हमने डाली है, टमाटर डाला है ना, तो ग्रेवी की का के टेस्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ही मस्त हो जाता है। और इसे बनाऊंगी, उसी के साथ में मैं बनाने वाली हूँ आलू, मैं फ्राई करूंगी, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है आलू को बॉईल करके, जैसे हम खिचड़ी वगैरह के साथ में खाते हैं ना, तो उसे कहीं पे चोखा, कहीं पे भरता, कहीं पे कुछ आलू फ्राई कहा जाता है, मतलब जो भी कहा जाता हो, मैं वो बनाने वाली हूँ आज, तो वो मुझे बहुत पसंद है, और फ्राई वाला मुझे ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं फ्राई वाला बनाऊँगी, क्योंकि एक मसाले की सब्जी हो गई तो थोड़ा सा फ्राई वगैरह। और आज मैं करेले भी बनाऊंगी, जो जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी अभी फ़िलहाल, नेक्स्ट टाइम करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी किचन किंग डाली, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चिकन मसाला मैंने डाला, और मस्त वाला टेस्ट भी आ जाता है, और झटपट में बन के रेडी भी हो जाती है। तो ये रेसिपी कुछ कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं इसको कोई नाम नहीं दूंगी,
बस पनीर की सब्जी हमने बना ली है, झटपट वाली सब्जी बनाई है पनीर की, और ये पनीर मसाला ही है, मैं मजाक कर रही थी। और यहाँ पर मैंने फिर से फ्राई पैन लिया, उसमें मैंने ऑयल डाली है, थोड़ा सा जीरा डाला है, दो मिर्ची मैं सूखी लाल मिर्च तोड़ के डालती हूँ, और फिर थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई भी डालूंगी मैं, और उसके साथ में मैं प्याज ऐड कर दूंगी थोड़ा सा उसको फ्राई करके, और बारीक कटे हुए प्याज, और उसी के साथ में मैं आलू को मैश करके, बॉयल आलू को मैश करके उसको डाल देना है, साथ में नमक और थोड़ा सा चाट मसाला या ये आमचूर पाउडर डाल दीजिए, और मस्त उसको मिक्स करके थोड़ा फ्राई कर लीजिए, और बहुत ही टेस्टी लगती है। मतलब वो सिर्फ और चावल दाल के साथ भी वो खाने में अचार, अगर मिर्ची का अचार हो या आम का अचार हो ना, तो उसके साथ में बहुत टेस्टी लगता है खाने में। एकदम से सादा खाना जब खाना हो ना, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो मैंने वही डाल दिया है, नमक है थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर डाला है, अब बस इसको मिक्स करके फ्राई होने देना है, और ये एकदम से रेडी है। और यहाँ पे कुकर सीटी दे रही है, इसमें मैंने राइस बना ली है, तो दाल रेडी है, राइस बना ली मैंने, आलू का मैंने ये रेडी कर लिया है, और सब्जी बना ली है। अब मैं आ गई हूँ शैमू को लेने के लिए, क्योंकि सिन्हा जी वहाँ पे प्रिंटर का काम करवा रहे हैं, तो मैं आ गई हूँ, नहीं तो तो शैमू की बस जब आएगी उसको लेकर जाऊँगी, उसके बाद मैं फिर चटनी बनाऊँगी शैमू की तो बस क्या बोली फिर से बोलो। आज करेले का चटनी बना है, खाई होगी नहीं? हाँ खाई है ना। हाँ कौन सा मूवी देखाने वाली है तुम हमको? आर्टिकल 6 देखना। नहीं अच्छी मूवी है। हाँ कश्मीर फाइल्स याद नहीं है क्या हमको? अच्छा ही था वो भी, ट्रू स्टोरी। कल तुम लोग का छुट्टी है ना? बस रात ट्यूशन का भी छुट्टी है, रात के 9 बजे से 9 से 12 में करेला बनाया है। ऐसा कोई उम्मीद मत रखना कि तुम लोग को सोने को सुन रही हो। कैसे कर रही है? तुम लोग को सुने को सुन मिलेगा, ऐसा कोई उम्मीद मत रखना। सुनोगी? देखिए मेरी करेला वो क्या कर रही है। सही कर रही है, जो कर रही है। तुम्हारे पनीर को भी चलेगा चलेगा, समझिए। तो फ्रेंड मुझे छोड़ के ना करेला घर में किसी को भी पसंद नहीं, और मुझे उतना ही करेला बहुत पसंद है। आँख घुसा घुसा के मोबाइल में, आँख खराब हो जाएगा। मार रही है दीदी। क्यों मार रही है? मार लिए दीदी कब से। ट्यूशन जा रही है शामू? हाँ। बाल झाड़ी? नहीं। ऐसे ही जाओगी? झाड़ लिया ना, क्रीम भी लगा। चलो पापा को मोबाइल जमा करो। अरुण मोबाइल लेकर के मोबाइल से अपने फ्रेंड को कॉल करता है, और अपने ये घड़ी को उससे कनेक्ट करता है। गंदा बच्चा है। तो किसी दिन जूते पड़ने की उम्मीद है पापा से, क्या लगता है तुमको? क्या लग रहा है अरुण, जूते पड़ने की उम्मीद है? एकदम नहीं। बच्चों की भी लाइफ होती है ना फ्रेंड, बहुत अजीब होती है। अभी स्कूल से आए थे उन्होंने, और दोपहर का लंच खाया, और बस अब निकल गए ट्यूशन के लिए, और दोनों जाएंगे ट्यूशन में, और इतनी कड़ी धूप है ना कि मतलब पूछिए मत। तो पापा भी हैं तो वो लेकर जा रहे हैं, तो मैं गाड़ी से पहुँचाती हूँ दोनों को। सैमू बाय अरुल। बाय सैमू। बाय बेटा। क्या पढ़ाई करोगे ट्यूशन में आ जाकर बताओगे? बाय। तो फ्रेंड बच्चे तो चले गए इस तरकती भरकती धूप में भी ट्यूशन। बारिश होती है तो मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है, नहीं तो गर्मी तो इतनी हो रही है ना। कुछ दिनों के बाद ट्यूशन भी बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी तो ट्यूशन भी चल रहे हैं। तुम तो सही में बच्चे बहुत बर्दाश्त करते हैं, एक तो गर्मी में आते हैं स्कूल से और फिर शुरू हो जाते हैं। मैं बैठ रही हूँ, सिन्हा जी ने बोला है बैठ के रहो। तो चलिए फ्रेंड सिन्हा जी तो अब आ जाएंगे, आ रहे हैं वो, और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी।